पंजाब में आतंकवाद नहीं है, ये कंगना के दिमाग में आतंकवाद है। अगर हम बदतमीजी करेंगे किसी के साथ तो फिर तो हमें सब मारेंगे। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज अब 5 साल संसद में गूंजेगी। एयरपोर्ट है, वहां के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, अगर एक सुई भी गिरेगी तो वो भी पकड़ में आएगी। तो फिर इतना बड़ा चांटा लग गया उसके और आपको दिखाई नहीं दिया। हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो सांटा तैयार रखा है, जिस भाषा में वो बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो हमारे बच्चे एक्शन पर रिएक्शन करना जानते हैं। कल को मैं आपके माँ बाप को गाली दूं तो आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे लोग जो नफरती पैदा हो गए हैं देश के अंदर कि हमें और हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी को बार बार गालियां दे रही है। मेरा नाम हरेंद्र ताऊ है, भारतीय किसान यूनियन टिकट से, और मेरा आने का कारण है कि मैं उस बेटी के परिवार से मिलने आया हूँ जिस बेटी के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा, लेकिन जिसका एक भी सबूत नहीं है। और उस बेटी की वीडियो आई है कि उस वो अपनी माँ को जो इसके किसान आंदोलन में बैठी थी उसको उसने 100-100 रुपए वाली कहा था। तो ये बेटी है वो किसान की जिसको सस्पेंड किया गया है, बता रहे हैं कि पुलिस ने भी उसे अरेस्ट कर रखा है। तो मैं तो इसलिए आया था कि अब पूरा देश का किसान उस बेटी के साथ है, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं और हमें लोग बाग गाली देते हैं, हम फिर भी शांत रहते हैं और फिर भी हम लोगों को चैन से नहीं रहने दिए जाते। ये ऐसे ऐसे लोग जो नफरती पैदा हो गए हैं देश के अंदर कि हमें और हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो आज मैं उस परिवार से मिलने आया था, उनके भाई यहाँ मिले हैं, तो अब मेरी इनसे बात हुई है और मैं आगे की देख रहा हूँ कि कैसे इस परिवार का साथ खड़ा होया जाए, उस बेटी के साथ खड़ा होया जाए, ताकि उनको परेशान ना किया जाए और जो उसकी नौकरी के बात है वो ना जाए और जो सस्पेंड किया गया उसको बहाल किया जाए और जिस तरह की कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है उससे ज़्यादा कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी को बार बार गालियां दे रही है। टीवी मीडिया का कहना ये है कि कंगना रनावत के साथ गलत हुआ है, उस अधिकारी को अपनी वर्दी का थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। देखिए, वर्दी की बात यह है कि अगर आप बार बार वर्दी को करेंगे तो आज की बच्चों में और पहले में बड़ा अंतर है। पहले हम लोग मिलजुल के रहते थे, कोई किसी जाति या धर्म को टारगेट नहीं करता था, और आज ये कंगना रनावत बार बार वर्दी को टारगेट कर रही है। और वर्दी में कौन है? ये किसान और मजदूर के बेटे हैं, ये किसी उद्योगपति के ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं हैं। और अगर आप हमारे माँ बाप को टारगेट करेंगे बार बार, माँ बाप को आप गाली देंगे तो हम क्या करेंगे? कल को मैं आपके माँ बाप को गाली दूं तो आप क्या करोगे? तो अब हम वो गांधी जी के वंशज नहीं रह पा रहे, हम तो थे, हमारे बच्चे नहीं रह पा रहे कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल कर दो। तो वो गांधी के कानून को अब हमारे बच्चे नहीं मानते, अब हमारे बच्चे एक्शन पर रिएक्शन करना जानते हैं, क्योंकि वो जवाब देना जान गए हैं। तो अगर कोई हमारी कम्युनिटी को टारगेट करेगा, हमें गालियां देगा, तो जिस भाषा में वो बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो सांटा तैयार रखा है। ठीक है, सब भी बोले हैं कोई सबूत नहीं है इस पर, तो बच्ची को क्यों हिरासत में ले रखा है, तो उनका क्या स्टैंड होने वाला है? क्योंकि अभी क्यों स्टैंड क्या, सब साथ हैं, ये भी तो सरकार से जवाब मांगेंगे कि उसे आपने, एक व्यक्ति ने कहा कि इसने मेरे थप्पड़ मार दिया, सबूत उसका है नहीं, और जब तक आपके पास सबूत नहीं है तो आपने उस बच्ची को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अरे वो एयरपोर्ट है, वहां के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, अगर एक सुई भी गिरेगी तो वो भी पकड़ में आएगी। तो फिर इतना बड़ा चांटा लग गया उसके और आपको दिखाई नहीं दिया, वो किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। तो जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपने कैसे उसे सस्पेंड किया? और अगर सबूत है तो जैसे आपने और वीडियो जारी किए उसे भी जारी करो, ताकि हमें भी तो पता चले
कि थप्पड़ की गूंज लगा या नहीं लगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज अब 5 साल संसद में गूंजेगी। इस थप्पड़ की गूंज, आपने कर्मा पिक्चर देखी थी, ये थप्पड़ की गूंज अब कंगना को जीते जी याद रहेगी। एक घंटे बाद ही वीडियो जारी करके कह दिया कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ भी हो सकता था, सुरक्षा में बड़ी चूक है। कोई चूक नहीं, क्या चूक चूक है? अब हम ऐसे घूम रहे हैं, हमें कौन मार रहा है? अगर हम बदतमीजी करेंगे किसी के साथ तो फिर तो हमें सब मारेंगे। अगर मैं इनके साथ बदतमीजी करूंगा, मैं इनकी कम्युनिटी को टारगेट करूंगा या गाली दूंगा इनके माँ बाप को, तो ये क्यों सहन करेंगे मेरी बात? और कब तक सहन करेंगे? एक बार दो बार हैं तो ये फिर मुझे टारगेट करेंगे, ऐसे ही और लोग करेंगे। कंगना ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। पंजाब में आतंकवाद नहीं है, ये कंगना के दिमाग में आतंकवाद है, इसका इलाज कराना चाहिए। और मैं कहता हूं संसद की सदस्यता इसे शपथ दिलाने से पहले हमारे आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में या सादरा के, दिल्ली के सादरा हॉस्पिटल में इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब में आतंकवाद होता तो ये ताऊ 600 किलोमीटर दूर चलकर इस परिवार के पास नहीं आ सकता था। पंजाब में अमन चैन सब शांति है। परिवार से बातचीत हुई है, क्या चाहते हैं हम? अब नहीं, ये यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। जब हमारी बेटी ने कोई गलती की नहीं, वहां एक वो ड्यूटी कर रही है, और अगर आप उसकी ड्यूटी में बाधा डालोगे तो क्या, या तो वो लोग ड्यूटी ना करें। CISF की जिम्मेवारी क्या है कि गलत चीज कोई अंदर ना जाए और गलत चीज कोई बाहर ना आए। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि इस फोन की चेकिंग होगी तो रख दो मशीन पे, कौन सी आफत आ रही है, मशीन में कोई निकलेगा परली तरफ उठा लेंगे, ये तो गलत नहीं था। लेकिन उससे सनक है, क्योंकि उसको वर्दी पे दिखा नाम लिखा दिखा दिखाई दे गया ना नेमप्लेट से, कुलविंदर कौर। तो जो 4 साल पहले उसने बदतमीजी की थी उसे वो याद आया, उसने फिर उस बच्ची को टारगेट किया होगा, जहां तक मैं सोचता हूं। तभी तो उस बच्ची को गुस्सा आया होगा, लेकिन मारा नहीं है। अगर मारा है तो वीडियो जारी करो। अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि मुझे प्रधानमंत्री ने चांटा मारा, तो चांटा जहां जहां प्रधानमंत्री रहता होगा वहां तो हर जगह कैमरा होगा, तो फिर संसद के अंदर हर जगह कैमरा लगा हुआ है, वहां तो पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे ही एयरपोर्ट में चेकिंग स्पॉट के जगह तो हर सूरत में कैमरा रहता है। तो ये सब झूठ फरेब फैला के उस लड़की को टारगेट किया गया। गायक मीका ने समर्थन किया है कंगना का, बोलते जो हुआ गलत हुआ। देखिए, मैं तो ना गायक मीका को जानता ना मैं कंगना को जानता, मैं कंगना को सिर्फ इतनी जानता हूँ कि वो उसने एक बदतमीजी की थी, और जब भी देखता हूँ हमेशा उसकी बदतमीजी की ही वीडियो आती है। तो बदतमीजी देखिए उसने किया होगा, वो भी कलाकार है, कलाकारी की वजह से किया होगा। देखिए यही तो एक अंतर आता, एक कलाकार को समर्थन करता है तो जायज, और एक किसान को समर्थन करता है तो नाजायज, ये कौन सा तरीका है भाई? और अगर कलाकार को साइन कर रहे, अगर वर्दी ने वर्दी का सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा? सावधान रहें सारे नेता। ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर वर्दी ने अपनी पे आ गया तो फिर क्या होगा, नेताओं का निकलना भारी हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा में भी यही रहते हैं।